तो आपकी कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है दोस्तों, वो है आपकी सोच। इस दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है तो वो है आपकी सोच। सोच से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा। इस दुनिया में अगर कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहले वो आपकी सोच में घटती है। ऐसा कुछ घटित हो नहीं सकता जो पहले सोच में ना घटा हो, और जो चीज सोच में नहीं घटती है और अगर वो घटित हो जाए तो उसे एक्सीडेंट कहते हैं। और हमारे जीवन में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा नहीं होते, हमारे जीवन में वो होता है जो हमने सोचा होता है। ताजमहल सबसे पहले कहां बना था? किसी की सोच में। अगर आपको शादी करनी है तो पहले वो आपकी सोच में घटित होगी, बाद में वो वास्तविकता पे उतरेगी। तो पहला कदम सोच है। मैं इस शब्द पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं? इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनमें से 90% लोग मेरी तरह आपकी तरह जमीन से उठ के आए हैं। सिर्फ 10% लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है। वो कॉमन बात क्या है? इनकी सोच। सबसे पहले सोच में बदलाव की जरूरत है। जब सोच में कोई घटना होगी तो वो वास्तविकता में भी जरूर बदलेगी। सवाल ये है, आप कहेंगे सर इसमें क्या है, हम भी सोच लेते हैं। ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच में कामयाब होना होगा। हम सब लोग बड़ा सोच नहीं पाते हैं, बड़ा सोचने से घबराहट होती है। आप सोच के देखिए, आज से पहले किसी महफिल में, दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने कभी आपने दिल खोल के कहा कि यार मैं अपने जीवन में बहुत कामयाब होना चाहता हूं, बड़ा बंगला खरीदना चाहता हूं, बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहता हूं, बड़े बड़े हवाई जहाजों में ट्रैवल करना चाहता हूं? हम कहने से भी डरते हैं। हम डरते हैं कि कोई मजाक ना उड़ाए। हमें डर लगता है कि लोग क्या बोलेंगे। लोग बोलेंगे भाई जमीन पर रह, पहले 10,000 की नौकरी ढूंढ फिर बात करना। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। हम सोचने से भी डरते हैं। सवाल यह है कि हम सोचने से डरते क्यों हैं? इस दुनिया में अगर एक आदमी ने कोई भी चीज किसी दूसरे आदमी के लिए बनाई है तो उस चीज पर आपका हक है। सिर्फ हक आपको सिद्ध करना होगा। हवाई जहाज देवताओं के लिए नहीं बने हैं, इंसान ने बनाए हैं और इंसानों के लिए बनाए हैं। 5-स्टार होटल भगवान के लिए नहीं बने हैं, इंसान ने बनाए हैं, इंसानों के लिए बनाए हैं। ये बड़े बड़े बंगले, ये गाड़ियां इंसानों ने बनाई हैं, इंसानों के लिए बनाई हैं। अब सवाल ये है कि आप उन लोगों में आते हैं जो इन सब फैसिलिटी को एंजॉय करेंगे या नहीं। अगर आप आते हैं तो आपको अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। आपको आगे बढ़ के साबित करना पड़ेगा, हां मैं वो हूं जो डिजर्व करता हूं इन सपनों के लिए। हां मैं वो हूं जो डिजर्व करता हूं इन सभी सहूलियतों के लिए, इन सभी सपनों के लिए। लेकिन इसकी शुरुआत आपकी सोच से होगी।